गुड मॉर्निंग क्लास LKG। चलिए सभी बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ड्राइंग में कलर करेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग में कलर करने से पहले हम ये समझेंगे, हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट पार्ट 7 से हो रहा है, ठीक है। PA2 हमारा पार्ट 6 में क्या हुआ था, कंप्लीट हो चुका था। पार्ट 7 से हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे, हम सबसे पहले आप सिलेबस समझेंगे। तो सिलेबस में देखिए आपका ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग फिल द कलर्स ब्यूटिफुली 70, पेज नंबर 70 से 23 तक, ठीक है। पेज नंबर 17 से 23 तक, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे, आप सबसे पहले ड्राइंग की बुक ओपन कर लीजिए। तो देखिए ये आपकी ड्राइंग की बुक है, फन विथ कलर्स, इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 16 में क्या हुआ था, हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हो चुका था पार्ट 6 में, ठीक है। अब हमारा एनुअल कोर्स पार्ट 7 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है हमारा एनुअल कोर्स, यहां हम पार्ट शो करेंगे, कौन से पार्ट से, पार्ट 7 से, ठीक है। यहाँ हम डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। तो देखिए पार्ट 7 में हम कितने पेज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 17, 18 एंड 19, यानी कि हम 3 पेज कंप्लीट करेंगे पार्ट 7 में, ठीक है। तो सभी बच्चे, सबसे पहले आप अपना कलर निकालिए। देखिए ये आपकी कलर है, ये आपके पेंसिल कलर है आपके, ठीक है। आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दी गई रंगीन डॉल्फिन के अनुसार रंग भरिए, यानी कि जिस तरीके ये डॉल्फिन में ये रंग दिया गया है, इसके ही अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ पर कलर फिल करना है, ठीक है। तो दी कलर द डॉल्फिन विद द सेम कलर्स एज शो, ठीक है। तो डॉल्फिन में देखिए कौन कौन से कलर है डॉल्फिन में, डॉल्फिन में सबसे पहला है आपका पर्पल, दूसरा है आपका स्काई ब्लू, ठीक है। डॉल्फिन में 2 कलर हैं आपके। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, स्काई ब्लू करेंगे। यहाँ इस तरीके से हम कलर फिल करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम पर्पल कलर कंप्लीट करेंगे। आईज छोड़ देनी है, आईज में कलर मत करिएगा। इस तरीके से क्या करना है, हमें कलर फिल करना है। इस तरीके से तो देखिए हमारा पर्पल कलर यहाँ पर फिल हो चुका है। यहाँ नीचे देखिए वाटर में, वाटर में भी हमें कलर फिल करना है। इस तरीके से हमें कलर करना है, ठीक है। यह क्या हुआ है, हमारा ये कलर पेज नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है डॉल्फिन। डॉल्फिन में देखिए ये हमने कलर किया है इस तरीके से, बिल्कुल साफ कलर किया है। देखिए जिस तरीके से मैंने कलर किया है, बिल्कुल क्लीनली, आप भी इसी तरीके से क्लीन कलर करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा पेज नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है, हम पेज नंबर 18 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिश में देखिए दी गई रंगीन मछली के अनुसार रंग भरिए, तो ये भी हमारे कौन से पार्ट का वर्क है, ये भी हमारे पार्ट 7 का वर्क है, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, डेट शो करेंगे, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 19 पर भी मैं आपको पहले बता देती हूँ, यहाँ पर भी आप डेट शो करेंगे
और ये भी हमारे पार्ट 7 का वर्क है, ठीक है। देखिए फिश में कौन कौन से कलर हैं, फिश में एक तो येलो कलर है, एक पिंक कलर है और एक ऑरेंज कलर है, ठीक है, येलो, ठीक है फिश में। तो सबसे पहले हम कौन सा कलर करेंगे, येलो कलर करेंगे। इस तरीके से हम कलर फिल करेंगे। इस तरीके से देखिए इस तरीके से कलर करना है, ठीक है, येलो कलर पूरे उसमें येलो कलर कंप्लीट करना है। जहाँ आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा आपको वहाँ ऑरेंज करना है, जहाँ आपको येलो कलर दिखाई देगा वहाँ आपको येलो कलर कंप्लीटली ही करना है, ठीक है। देखिए जिस तरीके से यहाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ, इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये येलो कलर क्या हुआ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऑरेंज कलर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा ऑरेंज कलर है, जहाँ हमें ऑरेंज कलर दिखाई देगा वहाँ वहाँ हम ऑरेंज कलर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान से कलर कंप्लीट करिएगा। यहाँ पिंक कलर भी है, यहाँ ऑरेंज कलर भी है। तो देखिए ऊपर में ऑरेंज कलर है, नीचे येलो कलर है, सॉरी बेटा ऊपर ऑरेंज कलर है, यहाँ नीचे पिंक कलर है। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये आपका पिंक कलर है, हम पिंक कलर लिप्स में करेंगे कंप्लीट। यहाँ करेंगे हम कंप्लीट टेल में, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा पेज नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है, हम पेज नंबर 19 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बताया था, पेज नंबर 17, पेज नंबर 18, पेज नंबर 19, ये हमारे क्या है, ये आपका हमारा पार्ट 7 का वर्क है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम येलो कलर कैंडल में देखिए, कैंडल में कितने कलर हैं, कैंडल में कौन कौन से कलर हैं, येलो कलर है, पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है एंड रेड कलर है, ठीक है। तो हम ऑरेंज में कलर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे पिंक कलर, सॉरी बेटा पिंक कलर नहीं, हम करेंगे येलो कलर। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, येलो कलर करेंगे। देखिए इस तरीके से हम कलर फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ऑरेंज, देखिए अंदर ऑरेंज है तो हम ऑरेंज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ मॉम में यह पिंक कलर है तो हम यहाँ लाइट लाइट कलर कंप्लीट करेंगे पिंक। इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम डार्क कंप्लीट करेंगे, यहाँ देखो
यहाँ ये हमने कंप्लीट किया लाइट, अब हम यहाँ डार्क कंप्लीट करेंगे। डार्क ठीक है, थोड़ा गहरा हम करेंगे। इस तरीके से ठीक है। देखिए आपका पिंक कलर कंप्लीट हो चुका है ठीक है। अब हम रेड कलर कंप्लीट करेंगे, तो ये आपका रेड कलर है ठीक है। तो यहाँ हम रेड कलर कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी हमें रेड कलर फिल करना है ठीक है। ये हमारा रेड कलर कंप्लीट हो चुका है, अब हम ऑरेंज कलर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऑरेंज कलर है, यहाँ हम ऑरेंज कलर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ हम कप की डंडे में भी कलर फिल करेंगे। इस ठीक है, तो देखिए हमने ये फोर्थ कलर लिए थे, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट कलर रह गया है स्काई ब्लू। ठीक है, तो देखिए ये आपका स्काई ब्लू कलर है, हम स्काई ब्लू कलर इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्काई ब्लू कलर हम इसमें कंप्लीट करेंगे। यहाँ क्या हुआ है, हमारा स्काई ब्लू कलर कंप्लीट हो चुका है। देखिए पार्ट 7 में हमने आपको कौन कौन से पेज कंप्लीट कराए थे। पार्ट 7 में हमने आपको पेज नंबर 17, पेज नंबर 18, पेज नंबर एंड 19 कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चे इसी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। देखिए बिल्कुल क्लीनली ही वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्केच कलर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पेंसिल कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट 7 हमारा पार्ट 17 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमारा पार्ट 7 में हमने पेज नंबर 17, 18, 19 कंप्लीट किया है पेज नंबर। ठीक है, तो सभी बच्चे इस तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरीके से ही वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का बताएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।